आज पहलवान कैसे करता है, आज खड़े में करता है कि नहीं करता है कि नहीं। जब तक आप शैतान को खड़े में नहीं बुलाएंगे तब तक परमेश्वर नहीं खोलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद बिजनेस मेरा ऐसे जाके खुल जाएगा, हालेलुया बोल के खुल जाएगा, वो तो यहाँ पे आपको रूंगा देते हैं, हम रूंगा समझते ना, लाला की दुकान पे मिलता है, बोला हालेलुया। औरतों को समझाता हूँ अच्छे से रूंगा क्या होता है, एक कपड़े के साथ कपड़ा फ्री, हालेलुया। आपको समझना है जब तक आप शैतान को खड़े में नहीं बुलाएंगे कि आजा, लेकिन लोग तो यार हमारे बस की बात थोड़ी है शैतान को अखाड़े में बुलाना है। आपको सिर्फ रोज अखाड़े में जाना है, सुबह उठना है और आपको पहलवानी करने के लिए जाना है, क्योंकि बाइबल बोलती मती के 11 के 12 में लिखा करें कि पहलवान करें अपनी आशीष को छीन दिया करते हैं। तो बलवान बनना है आपको, क्या बनना है, आज आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस, आपकी फैक्ट्रियां, आपके वीजे, आपकी पीआर, जिस बात के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो ये अखाड़ा है वो जहाँ पर कराए शैतान को हराया जाता है यीशु मसीह के नाम में। आप आ रहे हैं कि नहीं, आज आज हाथ उठा रहे हैं, आज आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर आज हर आशीष आज की हो चर्च, गुड न्यूज आने पाए, हाथ उठाने वाले अखाड़े में आ जाए आज, अपने पड़ोसी को बोलो आ जाए अखाड़े में आज, बोले हालेलुया। ओए सच्ची में ना आ जाना, पिछली बार राजस्थान वाला एक आ गया था खड़े में, सच्ची में आ गया था कि नहीं, लेकिन कुश्ती लड़ रहा था लेकिन ठीक होकर गया, यहाँ से गया ना ठीक होकर। मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। अगर आज आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा माइंड, मेरा सब कुछ बंधा हुआ है, तो आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे किन लोगों के कामों में बंधन पड़ा रहता है। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं हर बार कि पापा मेरे को ये बताओ, प्रॉफिट जी मेरे को ये बताओ, मेरा काम क्यों बंधा हुआ है, मेरा काम क्यों नहीं खुलता। आज बहुत सारे लोग ऐसा बार बार बोलते हैं, बोला हालेलुया। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर जिसके काम ऐसे बंधे हुए हैं, आज रात आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बंधुआई में करें, यहाँ पर देखो स्क्रीन पर लिखा किन लोगों के कामों में बंधन पड़ा रहता है और बंधन को कैसे तोड़वाएं। पूना, महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, एमपी, जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचें खुली हुई हैं, मैं फिर कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, फाजिलका, फिरोजपुर, मोगा, मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, संभालखा, फरीदाबाद, करनाल, दिल्ली, हरियाणा, हिसार, आप सुन रहे हैं, अमृतसर ब्रांच, सुनो कह रहे हैं कि किन लोगों के कामों में बंधन पड़ा रहता है और बंधन को कैसे तोड़वाएं। हालेलुया। अगर आज आप सीख कर जाएंगे, मैं कह रहा हूँ टेस्ट मनी सिर्फ 7 डेज में नहीं, 7 मिनट में गेट के बाहर आपका इंतजार करेगी आज, बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बंधुआई में पड़े हैं क्योंकि उनके जीवन में अनाज्ञाकारिता का पाप है। कौन सा पाप? एक पाप ऐसा है जिसको बोलते हैं अनाज्ञाकारिता का पाप। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये पाप है कि अनाज्ञाकारिता क्यों पड़ा रहता है बंधन उनके जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर के कहे हुए वचनों को नहीं मानते, उसके दी हुई आज्ञा को नहीं मानते, उसका मतलब है अनाज्ञाकारिता का पाप। अगर आज भी वो अनाज्ञाकारिता का पाप लोगों के जीवन में है, दूसरा अपनी मर्जी करना, अपनी मर्जी करना, अगर अपनी मर्जी करते हैं इसलिए लोग बंधुआई में चले जाते हैं, अपनी मर्जी से बिजनेस खोलेंगे, अपनी मर्जी से पास्टर बन जाएंगे, अपनी मर्जी से प्रॉफिट बन जाएंगे, अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि कलीसिया चलाएंगे, अपनी मर्जी से सारे काम, अपनी मर्जी से वीजा लगाएगा, मर्जी से वीजा लगाएगा बाहर जाने के लिए। मैं कह रहा हूँ अगर पादरी नहीं मिलता, आप परमेश्वर से कम मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन एक विषय के लिए लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आपकी मर्जी बताएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है कि अगर अपनी मर्जी से जो काम करता है, मैं कह रहा हूं वो बंधुआई में चला जाता है, उसका मतलब दुखों में, परेशानियों में, समस्याओं में, मर्जे में, इसका मतलब है अनाज्ञाकारिता का पाप। एक अनाज्ञाकारिता का पाप क्या कि जो परमेश्वर ने आज्ञा ठहराई और जब आप उसको नहीं मानते तब कह रहा है कि आपके जीवनों में ये समस्याएं आती हैं। बोलो हालेलुया। अगर आज आपका बिजनेस, हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा हो, किसी की कोख बंदी हो, किसी का घर मकान लेना चाहता है लेकिन हाथ बंधा हुआ है, आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, हो सकता है आपकी हर चीज में कोई ना कोई रुकावट आ रही हो, लेकिन आज मैं आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूँ कि ये पाम संडे और ईस्टर जब आता है तो परमेश्वर कैसी भी बंधुआई हो उसमें आकर बंधुआई से लोगों को आजाद करता है। हालेलुया।
आपने सुना अभी यहाँ पर एक बहन गवाही दे रही थी कि ईस्टर के दिनों में जब मैं आई और मैं लैंड पर प्रार्थना करा कर गई तो मुझे 3 साल के बाद परमेश्वर ने बेटे की आशीष दे दी, आज वो आई है यहाँ पर। हालेलुया, मैं फिर कह रहा हूँ आज कैसी भी बंदवाई होगी आज रात आप आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं निर्गमन की किताब 12:41 के इसराइली 430 साल तक 430 ईयर्स बंदवाई में रहे। हो सकता था कि वो 40 दिन में छूट जाते लेकिन 430 साल लगे उन्हें गुलामी से बाहर निकालने के लिए। आज हो सकता है आप एक छोटी सी प्रार्थना आप करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन नहीं रहा है। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकाल ली गई। हालेलुया, इसका मतलब कितने साल तक इन्होंने दुख उठाया? 430 साल तक। कारण क्या था कि ये परमेश्वर को मानना छोड़ गए। कह रहे कि ये जिधर देखते थे, जिस चीज को देखते थे पवित्र कर देते थे, पवित्र समझने लग जाते, बछड़े को करा पवित्र बना देते, करा मिट्टी को पवित्र कर देते, करा हर चीज को करा हाथ से बनाए हुए दस्तकारों को मूर्तियों को पवित्र करने लगे। और परमेश्वर ने कहा जब इन्होंने अपनी मर्जी करना शुरू कर दिया तो परमेश्वर इन्हें बंधुआई में लेकर चला गया। जिस चीज को एक इंसान करे कि जबरदस्ती करता है, पवित्र कर देता है, अपनी मर्जी से काम करता है, करे सच्चे ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा बंधुआई में रहता है। ये इजरायली 430 साल तक बंधुआई में रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मसीह लड़का चर्च में आता था और चर्च में आने के बाद थोड़े दिन के बाद उन दोनों पति पत्नी की लड़ाई हुई और उसने क्या किया, अपनी पत्नी से अलग हो गया और उसके बाद करके उसका बिजनेस चौपट हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, समस्या में चली गई। क्यों? क्योंकि वो लड़का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, शादी सिर्फ शादी हो जाए और तब उससे शादी करने के लिए उसने मसीह को ग्रांट किया। और उसके बाद करके जब उसकी शादी हो गया फिर से उसने वही काम शुरू कर दिए जिनको वो पवित्र ठहराता था, पेड़ों को, पत्थरों को। और थोड़े दिन के बाद उसके काम चौपट हो गए। आपको बता रहा हूँ कि वो लड़का करा उसने वाइफ से जिद कर दिया, करा देख करा मैं तेरे को दिखाऊंगा मेरे काम कैसे हिलेंगे। और उसकी औरत 4 साल परेशान रही, 4 साल तक वो बिजनेस में करता रहा मेहनत करता रहा, घुटने टेकता रहा, लेकिन एक भी काम नहीं चला। और एक दिन आकर वो पास्टर के पास पूछता है, कहता है कि पास्टर जी, कह रहा है कि मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटे तू बंधुआई में अपनी मर्जी के कारण गया है, तेरा मन का विचार। आज बहुत सारे लोगों के मन के विचार कह रहे हैं कि नहीं कोई परमेश्वर नहीं है। आप अगर यहाँ पर बैठे हैं आपको लगता है कोई परमेश्वर नहीं है, हर संडे यहाँ पर आपको मिराकल दिखाया जाता है। कह रहे हैं कि ये अनाज्ञाकारिता का पाप है कि आप चर्च में आते हैं और आने के बाद उसके बाद फिर आप वही काम करते हैं जो आप पहले करते थे, तो इसका मतलब आप अनाज्ञाकारिता में जा रहे हैं। आप इसी समय कह रहे हैं कि उस पाप में जा रहे हैं जिसके कारण कर आप बंधुआई में जा रहे हैं 430 साल तक। क्यों? क्योंकि ये सच्चे ईश्वर को जानने के बाद करा इन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद करा 430 साल गुलामी में रहे। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा और मूसा ने जाकर करा कि जब उन्हें समझाया, मैं कह रहा हूं कि जब उन्होंने उससे वाचा बांधी और उसी समय पवित्र आत्मा ने मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को ठीक उसी समय पर छुड़ाया जिस समय उसने उनके लिए भविष्यवाणी किया था। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा था करा कि जा करा इस समय में मैं तेरे लोगों को छुड़ा लाऊंगा, फिरौन इस समय में तेरे लोगों के लिए दयालु हो जाएगा। लेकिन किस समय में? अगर आज आप बंधुआई में हैं, अगर आप सुबह उठकर करा सही टाइम पर आते, परमेश्वर ने मूसा को कहा था इसराइलियों को छुड़ाने के लिए वो 10 बार गया, कितनी बार गया? 10 बार, लेकिन 9 बार वो फ्लॉप रहा अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आप में से करा बहुत सारे प्रार्थना करके चर्च में आते हो और जाते हो लेकिन आप बहुत बार ट्राई करते हो अपने बिजनेस में लेकिन फ्लॉप हो, अब तक आपने 9 बार वीजा लगाया फ्लॉप हो गए हो। यहाँ पर मूसा कह रहा है कि 9 बार फ्लॉप रहा लेकिन परमेश्वर ने उसको सीक्रेट बताया था, उसको कहा था बंधुआई से बाहर आने के लिए, कह रहा है कि तेरे को अपनी मर्जी नहीं मेरी मर्जी पर चलना पड़ेगा। कह रहा है तुझे निर्गमन के अंदर लिखा, कह रहा है कि फिरौन के पास भोर के समय जाना। हालेलुया, फिरौन के पास जब तू भोर के समय जाएगा, कह रहा है क्योंकि भोर के समय कह रहा है भोर वाले एंजल उतरेंगे, आज रात मिराकल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक भोर वाला एंजल है, एक दोपहर वाला, एक रात वाला एंजल है। मैं आज इस दोपहर के एंजल को सुना रहा हूँ कि जितने लोग आज से अनाज्ञाकारिता का पाप कर रहे हैं, मैं
अगर वो पश्चाताप करे, आज रात मैं कह रहा हूँ रात वाले एंजल आपके घर में आए बरकतें देने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए बंधुवाई से। मैं कह रहा हूँ आज कैसा भी बंधन होगा बाहर आओगे अमीन बोलकर। 430 साल के गुलामी में रहना है कि 4 मिनट में छूटने आपने, कह रहे तो उसका मतलब ये कह रहे जिनको गुलामी से बाहर आना आज, कह रहे आपको हाथ उठाना और कहना है परमेश्वर कि मैं इसी समय पवित्र आत्मा अपनी मर्जी नहीं करूंगा, आज से तेरी मर्जी पर चलूंगा। आपको नहीं पता आप कौन है। बंधुवाई में कई बार लोग बोलते हैं कि शायद मेरा, मैं अपनी मर्जी से, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इस औरत को मैंने डांटा इसलिए चला गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा एरिक अगर 10 गलतियां भी करे तो भी मैं कसाई नहीं हूँ कि उसको बंधुवाई में डाल दूंगा, उसको कमरे में बंद कर दूंगा। आप सुन रहे हैं कि नहीं? अगर आप 10 गलतियां भी आपसे हो जाती हैं, कुछ लोग ध्यान से सुनना आज, आज बहुत सारे लोग गलतियां जब हो जाती हैं, एक गलती होती है जो अनजाने में हो जाती है, एक गलती होती है जो जानबूझकर करता है। सुन रहे, एक पाप होता है जो जानबूझकर किया जाता है। एक बार लड़की को छेड़ रहा है, ठेके पर जा रहा है शराब पीने, अगले दिन फिर जा रहा है शराब पीने, अगले दिन फिर गालियां दे रहा है, एक गाली है जो मुंह से निकल जाती है। एक बार आपने गलती कर लिया लेकिन आपका मन कायल हो रहा है, लेकिन अगर आप बार बार उस पाप को कर रहे हैं तो उसका मतलब आप बंधुवाई में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको मौका देता है, वो अनुग्रह करता है। उसने कहा बंधुवाई में आप ऐसे नहीं जाते, मेरा बच्चा 10 गलतियां करे तो भी मैं उसको कमरे में बंद करके ताला नहीं लगाऊंगा। समझ रहे कि नहीं? चट्टू लगा के छोड़ दूंगा एक। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे को चट्टू लगा के छोड़ दूंगा एक। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहा लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको सिखाया, कह रहा कि वो बंधुवाई में से, कह रहा जब जाता है, मत्ती के 18:18 में लिखा, कह रहा कि जो तुम धरती पर बांधोगे वो बंधेगा। और कई बार हमारा मन हमारे विचारों तक शैतान अटैक करता है और हम अपने मुंह से बोल पड़ते हैं कि शायद मेरा काम बांध दिया है, मेरा काम बंध गया है, शायद मैंने पाप कर दिया, मेरी गलती हो गई है। लेकिन आपके अंदर से जब आप मुंह से बोलते हैं तो आपके काम बंध जाते हैं, जब आप अपनी मर्जी करने लगते हैं, जब आप अपने बड़ों की मर्जी नहीं सुनते, कह रहा परमेश्वर की मर्जी को नहीं सुनते आप, कह रहे लोगों की बातों में आकर आप जब अपने आप को कायल करते हैं, अगर आप नेगेटिव बात अपने मुंह से बोल दी तो मैं कह रहा हूं काम बंद जाएगा। बहुत सारे लोगों के ऐसे काम बंधे हुए। देखो क्या लिखा मत्ती के 18:18 में लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। मैं उस तरीके से आपको समझा रहा हूं कि जो तुम धरती पर मुंह से बोलोगे, मैं फिर कह रहा हूं कि जो तुम धरती पर मुंह से खोलोगे, जो तुम मुंह से बोलोगे वो हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर से सुनो, जो तुम धरती पर, कहां पर? धरती पर। अगर तुम स्वर्ग से बोलोगे होगा नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम इंसान हो। धरती पर तुम्हें अधिकार दिया गया है, तुम बंधुवाई में थे जब तक यीशु नहीं आया। जब यीशु मसीह क्रूस पर आ गया और जब वो स्वर्ग जा रहा था तो उसने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। समझ रहे हैं? कह रहा कि अब, कह रहा कि अब तुम्हें सिर्फ मुंह से कहना है और तुम बंधन से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को छूने की जरूरत नहीं है, 4 बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 3 बार भी ऐसे ऐसे करो तो भी आपका काम नहीं बनने वाला। कुछ लोग जाए करते हैं 100 बार कर लेंगे। आप बंधुवाई में हो, 100 बार करो, 120 बार करो, नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने मुंह से करा खोलोगे आज अपने आप को, अपने बच्चों को खोल दो आज। बोलो मैं अपने बच्चे का बिजनेस खोल देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में खोल दो आज। मुंह से बोलो कि मेरा हर काम खुल जाए, मेरी हड्डियां खुल जाए, मेरी नसें खुल जाए, मेरा बिजनेस दौड़ेगा आज रात यीशु के नाम में। बोलो मैं किसी की बंधुवाई में नहीं हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन कौन खुलेगा? बाइबल बताती है, कह रहा है कि जो लोग दो तरीके की बातें, ध्यान से सुनना, हम देखें स्क्रीन पर दो तरह के बातें, कह रहा है जो दो तरह के लोगों के बंधुवाई से छुड़ाता है परमेश्वर, जो पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं। नंबर एक, पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं। नंबर दो, कह रहा है जो अपनी इच्छा पर नहीं परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं।
अपनी इच्छा पर नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। लिखो लिखो देखो उसको लिखो। जो दो तरह के लोगों के बंधन टूटते हैं, जिसको अपनी स्पिरिट में लगता है कि मैंने गलती की है, तो वो पश्चाताप करता है, प्रार्थना करता हुआ पश्चाताप करता हुआ परमेश्वर के पास लौटता है, तो वो लोग आशीष पाते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, अपनी मर्जी पर नहीं। वो लोग के जो भी आपको बिजनेस करना है, अगर आपको नहीं पता लग रहा, आपको हाथ उठा के सिर्फ यही कहना सुबह उठकर कि परमेश्वर मैं आज ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना चाहती हूँ, तेरी मर्जी हो तो मुझे बता। बेशक आप जाकर उसमें ताला लगाओ, 10 दिन बाद पता लग जाएगा एक भी ग्राहक नहीं आएगा, मर्जी नहीं है परमेश्वर की। समझ रहे कि नहीं? अगर ग्राहक आएगा, संघर्ष मत करते रहो एक स्थान पर। परमेश्वर ने आपको संघर्ष करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने संघर्ष तोड़ने के लिए बनाया है। आप एक स्थान पर बैठे रहते हैं करते रहते हैं। बाइबल के अंदर एक किस्सा है कि अगर जो लोग फैलते नहीं है, जो बिजनेस को फैलाते नहीं है, वो गरीब रहते हैं, कर्जे में रहते हैं। जो पास्टर फैलता नहीं है, वो गरीब रहता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि आपको तरह तरह के बिजनेस में, अंबानी बोलता है, कहता है एक आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए 10 बिजनेस करने चाहिए। 10 में तो मारा पता कितना नुकसान हो जाएगा, लेकिन कह रहा है एक बिजनेस ऐसा जरूर मिलेगा उसमें जो आपको एक्सपीरियंस, 9 बिजनेस आपको एक्सपीरियंस सिखा के जाएंगे, लेकिन 10वां बिजनेस कह रहा आपका जो पीछे खोया था, कह रहा उससे डबल कहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए आपको देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप लोग एक ही जगह बैठे रहते हैं, इसलिए फ्लोप है। आप समझ रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये छोड़ के भाग जाओ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपको बिजनेस सिखा रहा हूँ कि जो लोग बंदवाई में है, क्या बंदवाई में क्यों है? क्योंकि वो लोग वहीं बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, पता नहीं मेरा काम खुलेगा नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, एक पन्ने से आगे पलटते नहीं है, क्योंकि आप सोचने में इतने टाइम लगाते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं तो इतनी चिंता होती है, शैतान एक पेज से आगे ज्यादा पढ़ने नहीं देता आदमी को। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ कि आज आपको आगे बढ़ना है, फैलना है, फैलना है। समझ रहे कि नहीं? एक पेज पर नहीं रहना। बोलो मैं 7 पेज दिन में पढ़ूंगा। एक सतीश नाम का आदमी था, 7 पेज डेली पढ़ता था, और परमेश्वर ने उसको 7 पानी के बड़े जहाज दिए। आज वो पानी के जहाज उसके पास है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक दूध बेचने वाले को जहाजों में घुमा सकता है। तो अगला नंबर आपका है, बंधुआई में से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम। 430 साल की गुलामी में से बाहर आओगे। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, कह रहा है कि आज हो सकता है आप 40 साल से गुलामी में हो, 40 साल से आप किसी दुकान पर बैठे हो। मैं कह रहा हूँ आज आप हाथ उठाने वाले आजाद हो जाओ, मुंह बोलो, मुंह से खोलो, मुंह से बोलो, आज आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम। आपको मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी से बताता हूँ। मैं जब मेरे पास बहुत सारे लोग सिर्फ ये पूछने आते हैं जो पास्टर होते हैं खासकर, क्या प्रॉफिट जी आप ये बताओ आप इतनी जल्दी कैसे देख लेते हो, आपको दर्शन कैसे हो जाते हैं, आप हाथ रखते हो कैसे ठीक हो जाते हैं लोग, हीलिंग कैसे मिलती है, आपके साथ ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो गया, एकदम इतनी जल्दी कैसे हो गया, आपने कितने फास्ट किए थे, मतलब लिख रहा होता डायरी पे, जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्या उसको पता होता है वो भी घर जाके यही काम करेगा, तो मैं 5-4-10 फालतू लिखवा देता हूँ, उसको नहीं भी किए होते। हालेलुया। आप समझ रहे भाई, कम से कम प्रभु की महिमा तो करेगा। लेकिन उनके लिए आज मैं तरीका बता रहा हूँ कि मैं जब 1.5 साल एक जगह रहा और मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन 2 आत्मा बची। बड़ा थक गया प्रार्थना करते करते, चर्च नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा है। उसके बाद करनाल में आया, हरियाणा में 2 साल लगा रहा, वहां पर भी 12 आत्माएं। फिर एक गांव में गया, बढ़ ही नहीं रहा। और एक दिन प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा मुंह खोल और बोल। मैंने कहा कितनी बार? कह रहा मैं नोट करूंगा तुझे, 1 साल। हालेलुया। आपको पता है 1 साल मैंने, मेरी मौसी का जो लेंटर वाला मकान था वो मिट्टी का था, मिट्टी का उस पर कड़ियों वाला, और उसके ऊपर मैं चढ़ के ऐसे बोलता था रोज, मैंने कहा ये छत हिल जाएगी, हिल जाएगी, हिल जाएगी। घोषणा करता हूँ मेरे पास लाखों करोड़ों लोग आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जिस समय ये वर्ड मेरे एक दिन में नहीं रुके, बंधुआई से बाहर लेकर आए मुझे। हालेलुया। शैतान बांध कर रखता था, बस इससे बाहर नहीं जाने देता था। आप जितने लोग बैठे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरे चर्च में 12 लोग कमाते थे, जानवर ज्यादा आते थे, क्योंकि वो लोग अपनी भैंसे लेकर आते थे, कोई कटड़ा लेकर आता था, कोई गाय लेकर आता था मेरे चर्च में, क्योंकि आदमी एक भी ठीक नहीं होता था। जितनी कटड़ा गाय भैंसों का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मर्जी ले आओ, सिर्फ याद रखूंगा चंगी हो जाएगी। बोलो हालेलुया। एक्सपीरियंस है भाई साहब, पूरा हरियाणा के अंदर 1.5 साल मशहूर था मैं।
वो लोग सिर्फ प्रार्थना कराने आते थे अपनी भैंसों की, इसकी भैंसों की प्रार्थना कर दे। और वो बोलते थे, करे यार ये आदमी भैंसों की प्रार्थना करता है, कहता है हाँ ये जाट है, कहता है भैंसों की प्रार्थना करता है, कह रहा हाँ हाँ यीशु मसीह से नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं हमारी कौन सा कर रहा, कहता है तो भैंस की कर रहा। और थोड़े दिन बाद उनको पेट में दर्द होता था, मैंने कहा तेरे भी रख दूं हाथ, कर रहा ठीक है हालेलुया। और सुनते सुनते मेरे पास वहां पर 70 लोग हो गए। मैं कह रहा हूं कि लेकिन मेरे मुंह के बोल कह रहा मुझे बंदवाई से बाहर लेकर आए और परमेश्वर ने फैलाया है। आज आपके मुंह के बोल आपको बंधन में लेकर जाते हैं, आपके मुंह के बोल आज आपको आजाद करने वाले हैं। बोलो बोलो, मैं खुल गया हूं, मेरा बिजनेस खुल गया है। लेकिन आपकी पत्नी आएगी, पता है खुल गया है, घर से टिंडे नहीं आगे, टमाटर नहीं आगे, तो कहता खुल गया चार से जान, तो बिजनेस खुल जाते ने, घर तो देख ले हैं की अभी नहीं है, छड़ाया की रखे गां दा मज दा दूध भी नहीं है, तो आप उसी समय बंद जाते हो, ओहो फिर जाना पड़ेगा काम करने। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास के साथ आज परमेश्वर आपको बंदवाई से निकालना चाहता है। मूसा को करा के दो काम करने, आपको विश्वास करने वालों को अपने आप को अपने विचारों में नकारात्मक नहीं जाना, आपको अपनी ब्लेसिंग के लिए आज आपको पॉजिटिव रहना है। हाथ उठाऊं और कहूं परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। कितने लोग आज से परमेश्वर की मर्जी पूरी करेंगे? हाँ बताता हूँ एक कहानी, एक लड़की की सच्ची कहानी। एक लड़की आती थी हमारे चर्च में और उसी समय वो अपने पापा को बोलती, पुलिस में थी, अपने पापा को बोलती थी करी पापा मैं तो ब्याह करना ब्याह करना ब्याह करना। उसके पापा ने कहा ब्याह करना तो करा देने, ब्याह कड़ी बड़ी गल है। उसके बाप ने कहा पर तू बेटे चर्च जाती है, तू इस लड़के से शादी मत कर। उसका बाप चर्च में नहीं आता लेकिन उसका बाप उसको बोल रहा है बेटे जब तू चर्च में जाती है तो चर्च वालों को बोलना कि शादी करेंगे तेरी। बोलती है नहीं नहीं मैं तो यही मुंडे नाल शादी करनी है, यही नाल ब्याह करनी है। उसको 3 बार रोका पास्टरों ने भी लेकिन वो नहीं मानी, कहती ना ना ऐ नहीं मुंडे नाल ब्याह करना है, ऐ मुंडा बस ऐ मुंडा। उसका प्यों करे कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, करी नहीं अपनी मर्जी मत कर बेटी, करे कि हमारी मर्जी पर चल लेकिन प्रभु की मर्जी पर चल। वो बोलते हैं मसीह का मसीह के साथ ही नाता होना चाहिए, ऐ विश्वासी का करे विश्वासी के साथ क्या नाता। देखो दूसरे करंथियों में 6:15 में यहाँ पर क्या लिखा, हाँ पढ़े कोई इसको फटाफट निकाल। मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, हाँ। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, लिखा है विश्वासी का, पढ़ो स्क्रीन पर मेरा लास्ट में लिखा है विश्वासी के साथ क्या नाता, क्या रिलेशन, बंधुवाई में कौन है। जब आप सच्चे ईश्वर को जानने के बाद अपनी कुड़ी का ब्याह तुसी ओदे नाल करता ते फिर मैं की कर सकता, हालेलुया समझ रहे कि नहीं। और वो लड़की थोड़े दिन के बाद आई और वो बोलती है कह रही कि 3 महीने के बाद ही बोल रही पापा मेरा तलाक करा दो उसके साथ, ये मुंडा ठीक नहीं है। कह रहे क्या हो गया, कह रहे तो शराब का पींदा ही पींदा राती मैनू मारदा भी है झंडा अपनी मां दे पीछे। कह रहे अच्छा, करे बेटे और बाप टैश नैश होकर उसका तलाक करा दिया। लेकिन ये नहीं पता करे कि जब आप और अब तक उसका रिश्ता नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसने सच्चे ईश्वर की मर्जी को छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूं अगर आप अपने अंदर सुबह उठकर आप ये कहें सच्चे ईश्वर आज के दिन तेरी मर्जी क्या है मुझे बता, परमेश्वर आज रात अगर ऐसे लोग बोल रहे हैं परमेश्वर आपकी मर्जी में शामिल हो जाएगा, याद रखना। अगर परमेश्वर को अपनी मर्जी में बुलाना है, मैं कह रहा हूं कि पहले परमेश्वर को भी खुश करना पड़ता है। अगर माँ बाप को अपनी मर्जी में बुलाना है तो माँ बाप को भी खुश करना पड़ता है कि नहीं। शिमोन ने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उसको एक लड़की पसंद आ गई और उसने जाकर शेर करा वहां से एक करा के शहद का करा के शहद मीठा शहद अपने माँ के हाथ पर रखा, उसने चाटा अपने बाप को, करा पहले ये चाट कर देखो, उसने चाटा को बड़ा मिठास लगी। फिर बोलता है पापा मुझे ए कुड़ी पसंद है, माँ बोलती करी नहीं नहीं लेकिन बेटे नहीं, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। मैं कह रहा हूँ उसने अपने माँ बाप से हाँ करवा ली लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, बंधुआई में चला गया। वही औरतें करा उसी औरत के कारण, मैं कह रहा हूँ कि और बहुत सारी औरतों के कारण करा उसको एक आदत पड़ गई और वो गलत काम करता था अपनी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूँ व्यभिचार उसके जीवन में, व्यभिचार की आत्मा घूम रही थी और थोड़े दिन के बाद फिलिस्तीनियों की सेना ने उसको पकड़ कर एक खंभे के साथ बांध कर उसकी दोनों आंखें निकाल दी, बंधुआई में चला गया।
इतना तकड़ा था वो इंसान, मैं कह रहा हूँ इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति था वो। अगर वो एक बार भी करा ऐसे लाखों लोगों को गिरा सकता था, उसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसको चार बार उसको मारने के लिए आए फिलिस्तीनी, लेकिन कभी मार नहीं पाए। वो जानते थे करें इसकी ताकत कहाँ पर छिपी हुई है, करें इसकी ताकत इसके बालों में छिपी हुई है। उस लड़की ने उसके राज को बता दिया, मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपकी ताकत कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी ताकत जहाँ पर भी है, लेकिन आज अगर आपने अपनी ताकत को करें किसी ऐसे पाप को दे रखी है, छोटी सी चीजों को दे रखी है, अपना मन अगर उसको दे रखा है, इसलिए आप बंदवाई में चले जाते हैं। लेकिन आज आपको हालेलुया बोलकर अपनी ताकत बाहर निकालनी है। आज हालेलुया आपकी ताकत फिर से आएगी, आपका बिजनेस फिर स्ट्रांग होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। करें कि जब हमारी जिंदगी में जब पाप बढ़ता है व्यभिचार का, तो लोग कर बंदवाई में जाते हैं। जब लोग नशे पर नशा करते हैं, फिर वही काम बार बार करते हैं जिन कामों से वो छोड़ कर आए थे। करें शिमशोन ने फैसला लिया था कि मैं परमेश्वर कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा, दाढ़ी मूछ नहीं कटाऊंगा, मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगा। उसकी माँ ने शपथ खाई और उसके बाद करें, लेकिन वो गिर गया सिर्फ एक लड़की के पाप में। मैं फिर उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, दो लोमड़ियों ने उसको गिरा दिया। फॉक्स बोलता हूँ मैं ऐसी लड़कियों को, दो फॉक्स दो लोमड़ियों के चक्कर में वो गिर गया। और परमेश्वर ने उसके ऊपर फिर भी दया किया कई बार, लेकिन वो नहीं समझा, लेकिन बंदवाई में चला गया। उस दिन उसको पता लगा कि अब मेरी आंखें निकाल दी गई हैं, अब मेरा सब कुछ छीन लिया गया है। लेकिन वो बोल रहा था, परमेश्वर बेशक मैं बंदवाई में हूँ, लेकिन मैं तेरी ताकत को जानता हूँ। कहता मैं इन लोगों को करा दिखाना चाहता हूँ कि सच्चा ईश्वर तू ही है। करा मरते वक्त करा मैं इनको दिखाना चाहता हूँ, करा मेरे अंदर फिर से एक बार ताकत दे दे। और जिसमें वो जोर उसने लगाया और वो सारा का सारा लेंटर गेर दिया जहाँ पर वो दुश्मन थे, और वो सबके संभर गए, तहस नहस हो गए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आज आप बंदवाई में हो, पवित्र आत्मा आपको बाहर निकालना चाहता है। किन लोगों को करें, जो रोते पीटते हुए पश्चाताप करते हुए फास्टिंग के दिनों में पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आ रहे हैं। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको बंदवाई में रख सके, क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दिया मूसा को, करें ठीक समय पर, राइट समय पर करें मैं इनको बंदवाई से निकाल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने वालों को बाहर निकालता है परमेश्वर। आज कह रहा पश्चाताप करने वाले बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप चर्च जाते हैं और चले जाते हैं अपनी मर्जी पूरी करते हैं, घर जाकर थोड़ी देर बाद अपनी मर्जी करेंगे यहाँ से जाने के बाद, कितने लोग अपनी मर्जी करेंगे यहाँ से जाने के बाद, कितने लोग यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले गोलगप्पे की रेडी पर निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे पहले भाई साहब की रेडी पर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग आज हाथ उठाकर करके कहेंगे परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, आज रात करें कि आज रात नहीं, आज सिर्फ प्रचार के 7 मिनट के बाद गेट के बाहर एंजल नजर आएंगे आपको यीशु मसीह के नाम में। आपकी मर्जी पूरी करने के लिए जाएंगे वो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी मर्जी में शामिल होना चाहता है। बाइबल बताती है ना कराने वाली आत्मा होती है, आपके मुंह से ना कराने वाली आत्मा। ना मम्मी, मम्मी बोलती रहती बेटे ये काम कर ले, ना मैं नहीं करना। पापा बोलते बेटे ये काम कर ले, ना मैं नहीं करना। बहू को बोलते बेटे पोछा लगा ले, ना मैं नहीं करना। ना वाली आत्मा, किन लोगों के अंदर ना वाली आत्मा है ज्यादातर? ना मैं नहीं जाना बॉम्बे, मैं नहीं जाना अमेरिका, मैं नहीं जाना स्कूल, मैं नहीं जाना है कम करना। ना वाली आत्माएं कह रहे देखो यहाँ पर, ना वाली आत्मा अगर किसी व्यक्ति के अंदर है वो 3.5 साल तक अकाल में रहता है, बंदवाई में चला जाता है। मैं कह रहा हूँ कि बाइबल बोलती है तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो। हालेलुया। अगर आज आप पाप के लिए ना बोल रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपको बंदवाई से निकाल फेंकेगा बाहर। आमीन। अगर आप करें कि परमेश्वर के सही कामों के लिए ना बोल रहे हैं तो बंदवाई में जा रहे हैं। जब लोगों को बोला जाता है चर्च जाएंगे, ना मम्मी मैं नहीं जाना, तू कल्ली चली जा। वो चश्मे वाली बैठी ना लुधियाने वाली, वो कह रही होगी उसकी मम्मी ने कहा होगा कि चले, लेकिन उसकी मम्मी कह रही होगी बेटे चले, वो कह रही होगी ना मैं नहीं जाना मम्मी आज, लेकिन मम्मी कह रही चल चल चर्च चलते हैं, मार के लाते हैं कई बार बच्चों को, चलो चर्च जाना है, जाना है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर ना करने वाली स्प्रिट आपके अंदर से निकल गई आज, एक बड़े करोड़पति बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। पैदा राजा 18:21 को पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ देखो क्या लिखा। एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, पूछो से तेरे अंदर कौन सी आत्मा है, ना वाली के हाँ वाली। हालेलुया। आई वांट टू डू यू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस एंड नो। हालेलुया। है ना, ये वाली आत्मा भी घूम रही है यहाँ पर। इंग्लिश में बता दिया मैंने पंजाबियों, आपको समझ में नहीं आई।
हालेलुया। समझदार के लिए इशारा काफी है, ना वाली हाँ वाली ये वाली नहीं। करे आज आपको पाप के लिए ना और करे के यीशु के लिए हाँ बोलनी है, बोलनी है कि नहीं। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। बोलो हालेलुया। करे 3.5 साल अकाल जब पड़ा रहा, करे उस समय में करे के वहां पर एलिय्याह ने लोगों को बताया, करे जिनको तुम पूछते हो, करे के जिन बातों के लिए करे इसराइल के लोग क्या करने लगे उस समय, लकड़ियों की आराधना करने लगे, उनको अपना भगवान बनाने लगे, समय उनको बाल देवता बनाने लगे। और इसी समय परमेश्वर ने उनको कहा कि भविष्यता को कहा, करे जा और इनको बता, इनको समझा। और उसी समय परमेश्वर ने एलिय्याह के दौरान को समझाया, और उसी समय उसने कहा, लोगों ने उसको एक भी उत्तर नहीं दिया, उसकी बात नहीं मानी। हालेलुया। मतलब जब ना मानी तो वो 3.5 साल तक उस देश में अकाल पड़ा रहा, अकाल पड़ा रहा, और वो बंधुआई में चले गए। आज बहुत सारे लोग करे के उनके बिजनेस में करे ना मानने के कारण करे के बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि आज यहाँ नहीं, करे परमेश्वर तेरा छुटकारा यहाँ करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं है। जो लोग फिर से वही काम करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, फिर से वही चर्च आएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद वही काम करेंगे जो आप पहले करते थे। इसका मतलब आप आज भी बंधुआई में हैं। यहाँ से जब मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बंधन टूटते हैं, एक हफ्ते के बाद फिर बहुत सारे लोग बंधन में आ जाते हैं। लेकिन जितने लोगों ने आज फैसला ले लिया है कि मैं सच्चे ईश्वर की आराधना करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि अपनी मर्जी पर नहीं, परमेश्वर तेरी मर्जी पर चलूंगा, आज रात उनका बिजनेस बंधुआई से बाहर आएगा, बच्चे बंधुआई से बाहर आएंगे। इस्राएलियों के ऊपर श्राप आया, 430 साल तक अपनी मर्जी करते रहे, अड़े रहे, कह रहे नहीं हम तो अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तेरी एक भी बात नहीं मानेंगे। 430 साल गुलामी में रहे। हो सकता है आज आप किसी की दुकान पर काम कर रहे हो, शर्म की बात है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, माफ करना, मैं किसी के ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी मसीनरी किसी नौकर को रखा होगा। अगर टैलेंटेड बंदा है, अगर टैलेंटेड प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, सही टाइम पर चर्च आने वाला, दशमान चढ़ाने वाला बंदा, मैं कह रहा हूँ किसी की करियाने की दुकान में काम नहीं करेगा, उसकी खुद की करियाने की दुकान होगी। याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए। एक राजा था, मैं दिखा रहा हूँ, एक राजा था और वो प्रभु का भय मानने वाला, वो सेनापति से हमेशा पूछता, कह रहा कि सेनापति मुझे बता, कि स्क्रीन पर देखो कि वो सेनापति को बोल रहा है, कह रहा चल मेरे साथ शिकार करने चल। जब वो शिकार करने जाता तो पूछता कितने का, उसने कहा कि आज राइट साइड शिकार कर, वो राइट साइड शिकार करता, शांति के साथ अपने घर पर आते, शिकार जीत कर लेकर आते। और एक दिन उस सेनापति ने उसको मना कर दिया, उसको कहा आज मुझे परमेश्वर की मर्जी लगती, रहने दे मत जा। लेकिन बोलता नहीं नहीं जब कर, करा मैं जाऊंगा, मेरा काम है, मेरा शौक है रोज शिकार करना। और जब वो शिकार करने जा रहा था, शेर ने उसकी उंगली खा ली उसी रथ पर चढ़कर, और उसकी जब उसकी उंगलियां खा ली, उसकी एक उंगली जब खा ली, तो उसी समय सेनापति ने कहा कोई बात नहीं, भले के लिए हुआ। और उसको बड़ा गुस्सा आया, कहता बे मेरी तो उंगली खाली, तू कह रहा भले के लिए हुआ, और उसको उठाकर जेल में डाल दिया। और सेनापति जब जेल में डल गया, उसके बाद कह रहा कि थोड़े दिन के बाद जब वो जेल के अंदर चला गया, तो अगले दिन फिर राजा को फिर शौक हुआ, क्योंकि उसके अंदर शौक था, राजा महाराजों का शौक है, वो डेली शिकार करने जाते हैं। और उस दिन भी वो शिकार करने गया अपनी मर्जी से, जब तक वो परमेश्वर के दास की, मैं कह रहा हूँ हो सकता है सेनापति परमेश्वर का दास हो, वो उसकी मर्जी के अनुसार गया, उसकी एक भी उंगली खाई नहीं गई। और लेकिन जिस दिन उसने अपनी मर्जी किया, उस दिन उसकी उंगलियां खा गया शैतान, शेर खा गया। और अगली बार फिर वो अपनी मर्जी के साथ चला गया, और जैसे अपनी के साथ गया, तो उसी समय उसको पकड़कर करा आदिवासियों ने पकड़ लिया, जब वो शिकार कर रहा था, और उसको बांध दिया वहां पर, और उसके हाथ पैर ऐसे बांध दिए, और उसके हाथ ऐसे बांध दिए, और उसके हाथ बंद गए। और उसी समय आपको पता है जब शिकारी आता है, और उसी समय आदिवासी फटाफट उसको देख के करने लगे, करे हू लड़ा ला हू लड़ा ला, उसकी तरफ चारों तरफ घूमने लगे, जरा दो शिकारी जल्दी से आओ बंद जाओ, जरा मैं तुम्हें स्क्रीन पे करके दिखाता हूं। हां शाबाश, जल्दी 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 दौड़ के देखो ये बंदा हुआ इस खंभे पर, एक खंभे पर बन जा और दो तीन शिकारी इसके पास आ जाओ, चलो तीर लेके आ जाओ, इसके पास इसको मारने के लिए घूमो, इसके चक्कर काटो, छावश फटाफट चक्कर काटो, इसके जल्दी करो। हू ला ला ला, हाँ हाँ जिंगा ला, कौन सा जिंगा ला ला, हू यही आदिवासी।
आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो जंगल में, वो देखो वो स्क्रीन पर देखो, उसको पकड़ रखा है और उसको पकड़ कर खड़े हो गए और उसको भाई साहब आपको पता आदिवासी मारते कम है और वो तो चक्कर काट काट के बंदे को आते को मार देते हैं। अभी इसने मार दिया, कह रहा जी का ला 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 ला, इसने बेहोश कर दिया होगा इसको और कितना उसके चक्कर काट रहे हैं बार बार और वो डर गया और उसने कहने लगा, कह रहा यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और उसको ध्यान आया उस समय फंस गया ये और उसी समय हाथ उठाकर अपने बंधे हुए हाथ इतने से हाथ उठ रहे हैं, इतने से उठावे इतने हाथ बंधे हुए, हाँ ये बंधे हुए हाथ इसके यहाँ पर बोला इसके यहाँ रस्सी ये बंधे हुए इसके हाथ और इतने से हाथ उठाकर क्या कर रहा है, कह रहा परमेश्वर माफ कर दे मैंने आज तेरी बात नहीं सुनी, तेरी मर्जी नहीं थी, शिकार करने की लेकिन फिर भी मैं शिकार करने आ गया और जिसमें मुझे माफ कर दे, रो रहा है पछताव कर रहा है राजा, देखो हाल क्या हो गया, दाढ़ी बढ़ गई है बेचारे की, ऊंचे ही बाहर आ गई है, हार मान लिया तेरे राजा ने। सारे बोले हालेलुया और राजा कह रहा है कि मेरे हाल देख ले परमेश्वर, लेकिन मुझे माफ कर दे आज, पछताव कर रहा है, कह रहा अब मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से शिकार पर नहीं जाऊंगा, तेरी मर्जी, तेरे से बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाऊंगा, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। लेकिन वो इसको कह रहा होगा, लेकिन ये आदिवासियों से बात कर रहा था, ये आदिवासी है, देखो इसकी आदिवासी लग रही है दाढ़ी, इसकी भी दाढ़ी ऐसी लग रही है, ये आदिवासी है फ्रेंच कट, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही है, कह रहा भाई छोड़ दे ला ला ला, कह रहा भाई राजा कह रहा छोड़ दे, कह रहा जिंगा ला 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 ला, नहीं छोड़ रहा भाई साहब, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही कहां से छोड़ेगा। आज मैं कह रहा हूँ शैतान को जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर लो, एक मुर्गा अगर पकड़ा जाता है ना ऐसे मुंडी रगड़ के पूरी रगड़ता है, नहीं छोड़ता वो, लेकिन जब आप इंसानों के सामने माफी मांगते हैं नहीं बचते। लेकिन जब ये व्यक्ति कह रहा इसका अंगूठा जो फटा हुआ था और जिस समय एक कर रहा था, कह रहा जू ला 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 और करता करता उसकी अंगूठी इस पर पड़ गया, अंगूठे पर नजर पड़ गया, कहता ओ डिफेक्टिव शर्ट डिफेक्टिव पैंट, आपस में बात किया, बोलता करो डिफेक्टेड शर्ट डिफेक्टेड पैंट डिफेक्टेड फिंगर, करा माय गॉड इज नॉट रेडी माय और लव ऑफरिंग, करा रिसीव, करा मेरा पिता करा रिसीव नहीं करना चाहता इस ऑफरिंग को, क्योंकि आदिवासियों की एक खासियत है कह रहे हैं कि वो अपने भगवान को कभी टूटी हुई भेंट नहीं चढ़ाते। सारे बोले हालेलुया, यहां पर 10 का फटा नोट कहीं नहीं चलता, पादरी बजिंदर के गले में चलता, 100 का नोट कहीं नहीं चलता। तो भाई साहब पिछले संडे मैंने कहा लिया यार थोड़ा सा दान मैं ही गिनवा दूं आज, मैंने कहा दिखाओ भाई कितना आया, ओ गिन के देखा, मैंने कहा कैमरा लगा हुआ गिन के देखा भाई साहब 500 के नहीं, वो पिछले कौन से बदलू पिछले 1000 के 500 के, हाँ 500 के पुराने नोट आ रहे भाई साहब, अब तक है जो मोदी साहब ने बंद कर दिए वो बाहर आ रहे, करे कहीं नहीं चल रहे, कोशिश की होगी भाई साहब पूरा साल 2 साल कोशिश करने के बाद जहां नहीं चले करे, जहां नहीं चलता प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में मिराकल मनी होती है, ले यहां चलेगा। लेकिन आदिवासी को भी पता है, कहता है डिफेक्टेड पीस है ये, चलो खोलो इसको, चल भाग जा, चल राजा भाग, और ये हैरान करा करा क्या हो गया, दुम दबा के भाग गया, पीछे उड़ के भी देखा इसने, भाग के बैठ जा वहां, जबर जा सीधा बैठ गया, वहां जाकर बैठ गया, कहता यार बड़ी मुश्किल से बंदवाई से बाहर आया हूं, दोबारा बंधवाई में नहीं जाना चाहता, देखा इसने पीछे उड़ के नहीं देखा। याद रखना मैं कराऊं के एस्थर ने भी अपने जीवन में करे के जिस पाप को छोड़ दिया, जिस समाज को छोड़ दिया, करे पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देखा, परमेश्वर ने उसको एक बड़े रिच घर में लेकर गया। आपको विश्वास करना है करे बंधवाई से बाहर आना है तो करे के आपका पश्चाताप सच्चा होना चाहिए, अगर आपका सच्चा पश्चाताप है तो पवित्र आत्मा आज रात बड़े से बड़ा मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आदिवासियों को भी पता है करा टूटी हुई भेंट नहीं लेता परमेश्वर, करा फटी हुई भेंट नहीं लेता, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो ऐसी गलतियां करते हैं वो एक पाप कर रहे हैं, बंधुवाई में जा रहे हैं, उनका बिजनेस कटा पटा पटा कटा ऐसे कट्ठा रहेगा, ऐसे रहेगा उनका बिजनेस कटा पटा कट्ठा। हाँ भाई साहब मैंने गिनिया गुस्सा निकाल रहा हूँ, सारे बोलो हालेलुया, हाँ मैंने भाई साहब बिजली वाले का जनरेटर वाले का तेल डलवाना था भाई साहब, मुश्किल हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, कर बंधवाई में जाना कर, अगर आप छोटी छोटी सी बात में परमेश्वर की बात नहीं मानते बाइबल में लिखी हुई, अपनी मर्जी करते हैं इसलिए वो बंधवाई में रहते हैं। अगर आज कर ये समझ गया राजा मैं सेनापति की बात मान लेता तो मैं बंधवाई में ना जाता, लेकिन अगर बंधवाई में आ भी गया तो इसको विश्वास था कि मैं जब हाथ उठाऊंगा पश्चाताप करूंगा आज मैं बंधन से छूट जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में, आज
आज आपका विश्वास क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं इस राजा की तरह, अपने हाथों को उठाओ और आज कहो परमेश्वर बेशक मेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला है या नहीं है, मेरी तरफ देखने वाला है या नहीं है, चाहे पादरी मेरे ऊपर हाथ रखे ना रखे, लेकिन आज मैं पश्चाताप करके जाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा। परमेश्वर ने जैसे इस सेनापति को, इस राजा को करा के छुड़ाया, परमेश्वर मुझे भी छुड़ाएगा, मेरे घराने को, मेरे बच्चे को छुड़ाएगा, मेरे बिजनेस को छुड़ाएगा, मैं बंधुआई में नहीं रहूंगा, आज से मैं 100 गुना बिजनेस, करोड़ों रुपए के बिजनेस को करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो से कौन सी आत्मा तेरे अंदर, बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा मत्ती 6:10 लिखा कि जैसी मर्जी, तो कितने लोग पढ़ते हैं इस वचन को रोज, पूरी इंडिया के हर कोने में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, गुरदासपुर में चले जाओ जहाँ क्रिश्चियन की बेल्ट है, गोवा में चले जाओ, बरेली में चले जाओ जहाँ पुराने क्रिश्चियन रहते हैं, सारी जगह चले जाओ, उनको सबको ये प्रार्थना सबसे ज्यादा याद है, सबसे ज्यादा याद है। वहां पर लिखा जैसी तेरी इच्छा परमेश्वर स्वर्ग से पूरी, बस होते ही होती रहे, ना हुई है ऐसी प्रार्थना करते हैं। कह रहा प्रार्थना तो अच्छी करते हैं, लेकिन उनके कहने का मकसद यही होता है, क्योंकि उस शाम को उनको भाई साहब अपने मर्जी पूरी करनी होती है। सवेरे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जैसी मर्जी, देखो क्या लिखा पढ़ के बता सबना, तेरा राज्य आए जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, पर वैसे पृथ्वी पर मारी मर्जी पूरी हो। सवेरे तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर, हाथ उठाए, शाम नु साडी मर्जी पूरी होनी चाहिए। तेरा शाम नु बोतल खोलेंगे, शाम को हमारी मर्जी, अभी पादरी संडे चर्च तेरी मर्जी चलेगी और उसके बाद साडी मर्जी चलेगी, हुण पाड़ी हट जा, हुण तुहाडी मर्जी चलेगी। हालेलुया। पता ना कितनी अच्छी प्रार्थना है ये, और कुछ नहीं आता उनको, ये प्रार्थना आती ज्यादातर। लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कई लोग अच्छे भी हैं, लेकिन अगर कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी करते हैं, मैं कह रहा हूँ इसलिए वो आज तक एक कोठड़ा भी नहीं बना पाए अपने लिए, उनकी एक कोठड़ी भी नहीं बनी हुई है, बंधुआई में है वो, क्योंकि परमेश्वर की बातों को ना मानना, सही रीति से ना चलना, अनाज्ञाकारिता का पाप में जो फंसता है, करा वो सालों साल नहीं, चार पीढ़ियां भी उसकी मकान नहीं बनाती, वो किराए पर रहते हैं। याद रखना किराए पर रहना एक श्राप, आपको और बताता हूँ, कर्जा लेना एक श्राप है, और लोग इस शैतान का काम है, कर्जे में रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाऊंगा। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? किसकी मर्जी में चलना है, बोलो अपनी वोटी की मर्जी से चलांगा मैं, होना कितनी मर्जी दे, अपनी वोटी की मर्जी से चलांगा, चल तेरी मर्जी तेरे चलना पादरी, मेरी वोटी करी आज नहीं जाना चर्च। आप कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, आपकी मर्जी करती है, आप उठते हैं सुबह, परमेश्वर आपको उठाता चाहता है, लेकिन आप उठते नहीं है। एक बार एक औरत आई और चीज में आके बोलने लगी, करी पास्टर जी मैं रोज रब की मर्जी पूरी करती है, रब मेरी मर्जी पूरी नहीं कर रहे, मैं क्या हो गया, कहनी कि मैनू है मकान लड़ा ही लड़ा, मैं क्या रब की मर्जी नहीं हैगी, है मकान दी फोटो मैं भी देख ली, मैं क्या 35 गज के मकान च इन्नी जी खिड़की हैगी खिड़की, मैं क्या तू इन्नी मोटी हैगी अंदर किदा जाएगी, कहती मैं ऐदा नहीं जावगी, मैं ऐदा जावगी ऐदा, मैं क्या तेरा भला हो जा, करी ना मैं लड़ा ही लड़ा, और भाई साहब उसने ले लिया मकान, और थोड़े दिन के बाद 2 दिन उसने भाई साहब अंदर बैठ के खाया, टोल गप्पे भी खाए, फ्रूट भी खाए, कद्दू भी खाया, छोले भी खाए, और भाई साहब गैस भर गई, उसका पेट इतना बड़ा हो गया, और थोड़े दिन के बाद बेचारी प्रेग्नेंट होगी, 9 महीने के बाद बाहर निकालनी थी, जब 9 महीने के बाद बाहर निकालनी थी, उसका फोन आया, बोल रहा है भाई साहब पादरी साहब प्रार्थना कर दो पत्नी बाहर आ जाए, मैंने कहा पत्नी कहाँ गई, कह रहे जी वो 35 गज वाला मकान ले तो लिया जिद करके, लेकिन कमरा इतना छोटा है, कह रहे जी ऐसे उठा रहे तो भी दीवार आ रही है, ऐसे उठा रहे तो भी नहीं आ रही, मैं क्या हो गया, कह रहे अब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मैं 9 महीने बाद फोन आया तेरा, अरे फंस गया पेट ढिड फंस गया, हूं राजा ने फंस गया, मैं क्या भाई साहब प्रार्थना तो नहीं निकलना, हूं तेन लत मारते बाहर कर दे, आज मैं क्या जेड़ी जनानी गल ना मने, मैं क्या उन्होंने बाहर कर दे, आज समझ गए कि नहीं, हाँ या ना, कह रहा जब अपनी मर्जी करते हैं तो फंसोगे इतने मोटे दरवाजे में, फंसोगे कि नहीं, कह रहा अगर आप परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हैं, कह रहा है कि आज कैसा भी शैतान ने आपके लिए दरवाजा फिट रखा हो, आप बाहर आने वाले फंसने वाले नहीं है, कैसा भी शैतान ने आपके लिए जाल बुना है, मैं कह रहा हूँ आज रात आप जाल तोड़ कर बाहर आओगे चर्च, मैं कह रहा हूँ शिकारी बेशक आपके आसपास घूम रहा हो, लेकिन आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज,
हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोला तेरी मर्जी से नहीं चलना हूं मैं लत नहीं खानी उन घर जाके, अब मैं किसकी मर्जी पर चलूंगा? यीशु की मर्जी पर। आप समझ रहे हैं बंदवाई में। और उसके बाद खरी मैंने जब बच्चा हो गया, मैंने कहा फिर वहीं जाएगी। खरी पादरी साहब मैं तो बेच के जाना, मैं नहीं जाना, मैं तो बाहर किराए तो रह लेंगी, हूं तो मैं रब की मर्जी से चलांगी। हालेलुया। जब इंसान को ठोकर लगती है तब चलता है वो। सिर्फ बोलने में ना रहो, परमेश्वर जैसी मर्जी तेरी स्वर्ग में पूरी होती है। कभी पूछा उसकी मर्जी क्या है? कह रहा उसकी मर्जी ये कि हर व्यक्ति करे कि वो पाप से दूर रहे और सुबह उठकर प्रार्थना करे और परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार के पास लेकर आए। हालेलुया। कह रहे हैं कि आप हर व्यक्ति कह रहे हैं यही मर्जी अगर पूरी करे। अगर आप फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पर इतना टाइम लगाते हो, आप लिख दो यीशु ही परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ 100 लोगों को डेली भेज दो आज। अगर भेज रहे हो आप खुदा की मर्जी पूरी कर रहे हो। जैसी उच्ची उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी धरती पर भी हो, ये स्वर्ग में मर्जी है उसकी कि हर एक स्वर्गदूत हाथ उठाए और उसकी महिमा करे। अगर आज आप अपनी मर्जी पूरी करते हैं सुबह उठकर, तो परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं करते, इसलिए आपके बिजनेस आज भी बंद हैं। जितने उसकी भक्ति करने के लिए धरती पर रखे गए हैं, कह रहा उनसे वो हिसाब लेगा। याद रखना, हिसाब लेगा, क्योंकि वो जानता है। अगर आप सुबह उठकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अपने फैसले पर नहीं आज परमेश्वर की मर्जी पर चलने वाले हैं, आज रात बंदवाई से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये दो सीक्रेट मैंने दिखाए थे, जो पश्चाताप करता है कह रहा वो बाहर आएगा। प्रार्थना के साथ जो पश्चाताप करता है, मैं कह रहा वो बाहर आएगा। जो खुदा की इच्छा पर चलता है वो बाहर आएगा। हम पहला राजा 18:42 में देखते हैं कि जब 3.5 साल कह रहा बंदवाई में रहे, कह रहा हाँ राजा फिर से एलिय्याह के पास गया और जाकर कहने लगा, कह रहा प्लीज करा मेरे देश के लिए प्रार्थना कर दे, मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर दे। करा मैं जान गया हूं बिना प्रार्थना के हम बंदवाई से बाहर नहीं आ सकते। आज से हम तेरे खुदा के पीछे चलेंगे, हमने तेरी इच्छा को जान लिया है। और उसी समय जिस दिन उन्होंने फैसला लिया, और लिखा वहां पर करा के एलिय्याह ने घुटने टेक कर जैसे ही सिर झुकाया और घुटनों के बल मुंह किया, और उसी समय परमेश्वर ने बारिश को खोल दिया। बाइबल बोलती याकूब के 5:17 में लिखा, करा के एलिय्याह ने कहा परमेश्वर 3.5 साल बारिश ना हो, और बारिश नहीं हुई। आपके मुंह में ताकत है, याद रखना। देखो क्या लिखा, एलिय्याह भी तो हमारा मान दुख भूख सोगी मनुष्य था, लेकिन गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कह रहा जब उसने प्रार्थना की तो कह रहा 3.5 साल तक भूमि पर धरती पर बारिश नहीं हुई। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं आपके अंदर वो ताकत है, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। आप अपने आप को बंदवाई में से बाहर निकाल सकते हैं। अगर एलिय्याह किसी को बंदवाई में ले जा सकता है, एलिय्याह ने कहा जा अहाब राजा तेरे देश में बारिश नहीं होगी 3.5 साल, और 3.5 साल बारिश नहीं हुई, लेकिन जब वो आया मान गया किसका ईश्वर सच्चा है, उसने कोशिश किया इधर उधर जाकर। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज किसी को लगता है कि मेरे काम खुल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ जाओ, मैं तुम्हें 3 साल देता हूँ, जाओ खुलवाओ जहाँ तक खुलवाने हैं। जो अगर तुम चुने हुए हो तो तुम्हारे काम यहाँ पर, जब तक आप परमेश्वर की मर्जी पूरी करने संडे नहीं आते, आप सुबह उठकर प्रभु की महिमा नहीं करते, अपने हाथों को नहीं उठाते, मैं कह रहा हूँ तब तक आपके काम नहीं खुलने वाले। और जब तक मैं ना कहूँ, ये परमेश्वर का आदेश है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज कैसे भी काम बंधे हो, कैसा भी अकाल हो, आज खुल जाए यीशु मसीह का नाम, आज आपके ऊपर से खुल जाएं। एलिय्याह को पता लग गया, एलिय्याह को पता लग गया उसके मुंह में ताकत है। अगर आज लाइव देखने वालों को पता लग गया है कि आज मेरे मुंह में ताकत है, तो मैं कह रहा हूं आपका कोर्ट केस, अगर आज आप कोर्ट केस के बंधवाई में है, अगर आज आप किसी भी बंधन में है, अगर आज आप किसी भी, आपकी कोख बंधी हुई है, आपका माइंड बंधा हुआ है, आपका बच्चा पागल है, मैं कह रहा हूं टीवी में बीमारी में किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, आज बंधवाई से बाहर लाए मेरा परमेश्वर आपको, बाहर लेकर आए। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय बोलो कि आज परमेश्वर मुझे तेरे दास की ताकत का पता लगा है, मुझे आज परमेश्वर अपनी मुंह का ताकत का पता लगा है, मुझे आज अपने हाथ उठाने का ताकत का पता लगा है। आज से मैं परमेश्वर अपनी मर्जी पर नहीं तेरी मर्जी पर चलूंगा। आज रात मेरा परमेश्वर आपको बड़ी से बड़ी बंधवाई से बाहर लेकर आए। बोलो आमीन। कितने लोग बंधे हुए महसूस करते हैं अपने आप को, मती के 21 में और उसके हम पढ़ते 2 में देखो क्या लिखा। अगर आज आप किसी टेंशन में हैं, अगर आज आप किसी डिप्रेशन में हैं, आप सोच रहे हैं कि शायद मेरे माँ बाप पैसा लगाते हैं और बर्बाद हो जाता हूँ, लोग मुझे गधा बोल रहे हैं, गधा बोल रहे हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस में फ्लॉप हो गया हो, आपको लोग गधा कह रहे हैं,
आपका बच्चा चाहे कुछ नहीं कर रहा हो, आपको कह रहे हो कि गधा है, ये गधा है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लाया हूँ जो बंदवाई में है, जो लोगों की नजर में निकम्मे है, जो गधे है, जो लोगों की नजर में बेकार है, तुच्छ है। परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को आज से 2023 साल पहले भेज कर कहा, अच्छा मेरे लोगों को जो बंदवाई में है उन्हें खोल दे आ जाकर यीशु मसीह के नाम में। और देखो परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने आते ही क्या कहा, करा सामने के गांव में जाओ, कहां पर, करा ताजपुर में, करा वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा मिलेगा, करा बंदा वहां मिलेगा, मेरे पास ले आना, उसको कहना कि परमेश्वर ने आज तुझे खोल दिया है यीशु के नाम में। कितनों को समझ में आ गया बात, जो बंदे हुए हैं आज यहाँ ले आना, अगले हफ्ते लेकर आएंगे कि नहीं, एक बंदे को लाएंगे कि नहीं, खुदा की मर्जी पूरी करेंगे कि नहीं। अरे अगर मर्जी पूरी कर दी, मैं कह रहा हूं एंजल मिलेंगे सड़क पर आपकी मर्जी पूरी करने के लिए, एंजल मिलेंगे जो आप मांग रहे हैं मिलेगा, बंदवाई में से बाहर लाएगा आज मेरा परमेश्वर। आप तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जितने तैयार है आजाद हो जाओ आज। देखो मैं एक भैंस की फोटो दिखाता हूँ आपको, कितने लोग आज भैंस देख रहे हो, भैंस भैंस दिखाओ भाई, इतनी देर में भैंस निकलेगी तो किसी और की बना देंगे हम। भैंस एक खूंटे पर बंधी हुई है, देखो एक भैंस है जो खूंटे पर बंधी हुई है, एक भैंस है देखो, हाँ इसको बोलते हैं आज्ञाकारिता का खूंटा। ये कौन सा खूंटा है, वो देखो उसको दुष्ट को छीड़ोगे, वो देखो कैमरा दिखा, ये देखो ये अनाज्ञाकारिता का खूंटा है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा, इसको पता है, कह रहा पादरी बजिंदर सही सिखा रहा है, सही सिखा रहा है कि नहीं बुदड़ी, हाँ हो गया, बैठ जाओ खूंटे, बैठ जाओ हमारे, हाँ हमारे घुंटे बैठ, गाड़ी बजाएंगे सारे, बोलो हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? देखो कौन सा खुंटा है, ये अनाज्ञाकारिता का खुंटा है। और दूसरी भैंस दिखा भाई साहब, दूसरी भैंस, ये लाला ये री जुंगा लाला, ये आज्ञा, वो देखो वो देखो आज्ञा ना मानने वाली, वो देखो दिखा कैमरा कर, कैमरा कर उधर, उधर कर कैमरा, वो देखा एक और एक आज्ञा ना मानने वाली भैंस, इसको भैंस नहीं कर रहा हूं, इसका पति मेरे पास ना जाना, इसको मैं कह रहा हूं आज्ञा ना मानने वाला खुंटा। इधर कर कैमरा, सुनो देखो अभी क्या क्या सिखा रहा हूं आपको, आपको ये सिखा रहा हूं एक आज्ञा मानने वाला खुंटा होता है, वो भैंस वहां बंद जाती जाकर, है ना, और उसका फायदा क्या होता है, उसको टाइम पर खाना मिलता है, उसको टाइम पर सारी चीज मिलती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका मालिक उसको लेकर जाता है, चल तुझे वाशरूम करा के लाऊं, उसको खाना खिलाता है, टाइम पर उसको सुआ भी लगाता है, और उसको छावासी भी देता है, तेल भी लगाता है, उसकी मालिश भी करता है, शाबाश मेरी भैंस, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आपको मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए खड़े दिखाई देंगे, आमीन। लेकिन यीशु मसीह के खूंटे में बंधना पड़ेगा, बंधोगे कि नहीं? अरे यीशु के खूंटे में बंधना है कि नहीं? हमारे खूंटे बंधना है किसी और के, मर्जी आपकी, वो देख लो खुली भैंस भी अच्छी है, वो जहां देखती है वहीं जाती है, खुली भैंस है वो। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों के लिए, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह की आज्ञा में चल रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके लिए कह रहा है एक मालिक, मैं कह रहा हूँ उनके लिए एक डिवाइन हेल्पर उनके लिए प्रोवाइड कराने वाला है। आप जो कहेंगे वो पूरा होगा, आपके बच्चों में ख्याल रखेगा, आपके बिजनेस का वो ख्याल रखेगा, आपको ठंड से, गर्मी से, सर्दी से, हर कोरोना से, हर परोना मरोना करोना करोना से बचाएगा। आप कहीं से भी हो, मैं कह रहा हूँ वही आपके लिए फूल खिलाएगा आज रात। अगर आज मैं कह रहा हूँ जो खुली भैंस है उसके पैर में कांटे लगते हैं, लेकिन झाड़ियों में जाती है, छिल जाती है उसकी बॉडी पूरी, लेकिन जो बंधी हुई भैंस है, मैं कह रहा हूँ कि जिस खूंटे पर है, अगर इस खूंटे पर है समझ के क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको कदम रखोगे कांटे नहीं फूल नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आज्ञाकारिता के बिजनेस में चलते हैं उनके बिजनेस फलते हैं। देखो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं पास्टर, जिन्होंने मेरे साथ रैंकर से कई किए, उनको कुछ नहीं करना पड़ा, 10 दिन में उन चर्च में 10-10 हजार 5-5 हजार लोग आते हैं। हालेलुया, इतने लोग आते हैं, कैसे हो गया ये? क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का परमेश्वर है, आज रात हाथ उठाने वालों का परमेश्वर है, हाथों को उठाओ चिल्लाने वालों का परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर, जैसे तू एलिया को पवित्र आत्मा आशीष दिया, अहाब राजा के ऊपर से अकाल हटा दिया, हमारे घर से, बिजनेस से, हर प्रकार का अकाल हट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। वो कर्ज़ के शराब जाए आज, आज्ञा मानने वालों के घर में आए आज, यीशु से प्रेम करने वालों के आए आज, मेहनत करने वालों के लिए आए आज, प्रार्थना करने वालों के लिए स्वर्ग दूत आए आज,
आज बड़े से बड़ी ब्लेसिंग उतरे आज आज संडे चर्च आने वालों के लिए स्वर्ग दूत आए ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपका पैसा डबल हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष वाले खुंटे पर बंद रहे। पवित्र आत्मा आज ये बंदवाई में से बाहर आए हैं। शैतान की बंदवाई से बाहर आ गए हैं बहुत सारे लोग जो आमीन बोल रहे हैं। शैतान की बंदवाई से बाहर आ रहे हैं। बाहर आ जाओ आमीन बोलकर आज अपने सिर पर हाथ रखो और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आज वॉलंटियर क्वायर आज अपने लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करो। शैतान किसी को मारना चाहता है एक्सीडेंट में। होली स्पिरिट ने मुझे कहा मैं उन ब्रांचों के नाम लेकर कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी दिल्ली ब्रांच को दुबई ब्रांच मॉरिशस ब्रांच चाइना हांगकांग मैं कह रहा हूँ कि इसी समय इसराइल और इसी समय पवित्र आत्मा जी हरियाणा ब्रांच फरीदाबाद संभालखा हिसार ब्रांच करनाल पानीपत पवित्र आत्मा जी समय पंजाब के हर कोने में जो ब्रांच है परमेश्वर अमृतसर राजपुरा पटियाला फाजिलका और इसी समय मोगा मेरे प्रभु धारीवाल गुरदासपुर मेरे पिता परमेश्वर जलंधर ब्रांच में पवित्र आत्मा जी इसी समय और इसी समय मेरे प्रभु जलंधर हेड ऑफिस में मेरे पिता परमेश्वर न्यू चंडीगढ़ में जो भी टीम मेंबर है वॉलंटियर है क्वायर है विश्वासी है पवित्र आत्मा जो यहाँ पर उठे हैं बैठे हैं परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु तू इनकी सुरक्षा करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक सुरक्षा उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। होशियारपुर ब्रांच में शिमला ब्रांच में इसी समय सोलन ब्रांच में हिमाचल ब्रांच में सुरक्षा उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। अरे क्या आशीष उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर आशीष उतरने पाए ब्लेसिंग आने पाए हर कोर्ट केस से आजाद हो जाओ हर बीमारियों से छूट जाओ बंदवाई से बाहर आ जाओ जो बिजनेस बंद है खुल जाए आज जिनके बच्चे बंदे हैं जिनका कमाई के लिए हाथ बंधा हुआ है खुल जाए इनका हाथ कमाई के लिए आज यीशु मसीह के नाम में खुल जाए परमेश्वर ये बड़ी आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तूने खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज कि आपका आपको परमेश्वर ने खोल दिया है। बोलो हालेलुया सारे बोलो हालेलुया। सुनो बहुत सारे बंदवाई में हैं लेकिन परमेश्वर आपके बिजनेस को आपको खोलना चाहता है और आशीष देना चाहता है। नीचे बैठो मैं आपके पास इसलिए नहीं आता आपको सुनना है। परमेश्वर आप में से किसी को आशीष देना चाहता है। बोलो हालेलुया। हाँ विश्वास कर रहे हो सुनो मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आज आप कहीं से भी आए हो आपके ऊपर आशीष आने वाली है। अब अलबा शब चुप चुप अब अलबा शब अलबा अलबा शब अलबा।